साद 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 उठो, साद मैं कह रही हूँ उठो। क्या है मामा, क्यों सुबह सुबह तंग कर रही हैं? दिन निकल आया और तुम अभी तक सो रहे हो, उठ के बैठो। कौन सी कयामत आ गई है? कयामत अभी तक आई नहीं है, अगर तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया ना तो जरूर आ जाएगी और मैं मर जाऊंगी। क्या हो गया है मामा, क्या कैसी बातें कर रही हैं आप सुबह सुबह? निशा कब से उठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है नीचे, और तुम्हें उसे मिलवाने ले जाना है उसकी माँ से। बेटा क्या मुसीबत है मामा। साथ कोई उल्टी बात मत करो, जल्दी से उठो इससे पहले कि उसके घर वाले यहाँ पहुँच जाएं, तुम्हें उसको वहाँ लेकर पहुँचना है। असल में वो फूलों की खुशबू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपके शायद नींद पूरी नहीं हुई है। हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं। इनफैक्ट अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है। सॉरी निशा, आई एम सॉरी, तुम रात को मेरा इंतजार करती रही, मैं आ नहीं सका। वो एक्चुअली दोस्तों ने फंसा दिया था, छोड़ ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि आज हूँ, लेकिन हो नहीं पाया मुझसे। कोई बात नहीं, अब तो हम साथ हैं ना। आपकी तस्वीरें देखती रही, कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आंटी बता रही थी कि उन्होंने मना किया था आपको मुझे जगाने से, और दूसरे रूम में आपको जाके सोना पड़ा। कोई बात नहीं निशा, शावर ले लेता हूँ और ब्रेकफास्ट करके फौरन हमें निकलना होगा। आंटी और अलियान भाई को सलाम भी तो कर। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। थैंक यू। आपदा, पूरी रात साथ अपने दोस्तों के साथ ना भायर रहा है, ये क्या बिहेवियर है? मैं तो खुद बहुत परेशान रही हूँ अलमास, डरती रही हूँ कि कहीं निशा की अम्मी और भाई को साथ की हरकतों का मालूम हो गया तो फिर क्या होगा। तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से निशा की फैमिली को मैंने कन्विंस किया था इस रिश्ते के लिए। प्लीज मेरा ना उनके सामने इम्प्रेशन मत खराब करना। आप नहीं अलमास, मैं तुम्हारा इम्प्रेशन कभी खराब नहीं होने दूंगी, और ना ही अपने बेटे के बसे बसाए घर को। बस तुम दुआ करो कि साथ को ना निशा से मोहब्बत हो जाए, इतनी मोहब्बत हो जाए कि वो एक पल भी उसके बगैर ना रह पाए। अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए। अच्छा सुनो, वो साद और निशा आमना की तरफ जा रहे हैं, मैं घर पे और अकेली हूँ, अगर तुम आ सकते हो तो प्लीज आ जाओ मेरे पास। आपदा एक कॉल आ रही है, वो जब चले जाए ना फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है ना? बाद में बात करते हैं। चलो ठीक है, बात होती है फिर।
अल्लाह हाफिज। ओके खुदा हाफिज। हेलो आसिम बेटा, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बस ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, थोड़ी देर में निकलूंगा। वो नेहा को कॉल की थी, उसने उठाया नहीं, खैरियत? वो नहाने गई है, हमने पार्लर के लिए निकलना है ना, अभी तैयार होंगे हम। तुम प्लीज ऑफिस जल्दी जाओ, देर मत करो। ठीक है अम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा, सुम्बुल और अंबर को प्यार दीजिएगा मेरी तरफ से। वो दोनों तो बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए, बस दिल लगा के काम करना ताकि इंशाल्लाह तुम वापस आके ना मुझे खुशखबरी दोगे कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है ना? इंशाल्लाह अम्मी। बस बेटा तुम दिल लगा के काम करो, ठीक है ना? ओके खुदा हाफिज। चल अल्लाह हाफिज। यही तो मुसीबत होती है पसंद की शादी की, सुबह शाम बीवी ना दिल और दिमाग में छाई रहती है। बेटे एक बार फिर मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। प्लीज आंटी शर्मिंदा मत करें, ये एक रस्म थी और हमने पूरी कर दी। बेटा अब हमारी फैमिली और तुम्हारी फैमिली एक है, अब इस बात की ना टेंशन मत लिया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं और निशा आप ही की तरफ आ रहे थे आंटी को सलाम करने के लिए। हाँ तो हम साथ जाएंगे ना यहाँ से। निशा इधर आओ मेरे पास बैठो बेटा। जी आंटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह तुम दोनों को नजरे बद से बचाए, हमेशा इसी तरह खुश रहो। निशा ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। लेकिन आंटी कल आने के बाद आपने गिफ्ट दे तो दिया था, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा कल तो तुम इस घर में पहली बार आई थी ना, वो उस बात का गिफ्ट था, और आज तो तुमने इस घर में खुशियां ही बिखेर दी हैं, इस बात का गिफ्ट है। कैसा है देखो? बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच। भाई अम्मी ठीक थी, उनको भी ले आते? हाँ भाई आप आते हुए आंटी को भी लेकर आते? हाँ मैं भी अभी आली से यही गिला करने वाली थी, भाई तुम जब भी आया करो ना अम्मा को साथ लेकर आया करो। हाँ ठीक है तुम जाओ। चले भाई। चले आ जाओ। नेहा तुम तैयार हो गई हो? हम बहुत लेट हो गए, चलो ना लेट हो गए हैं। अम्मी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, वो आसिम को कॉल कर रही थी, रिसीव नहीं कर रहे। लाहौर गया है ना, क्लाइंट्स के साथ बिजी होगा। बीबी जी वो सुंबल भाजी के लिए क्या बनाना है? वो आई और चली गई, बताया ही नहीं उन्होंने क्या खाना है। सादा सादा खाती, दाल चावल बना दो, साथ कबाब तल दो। ठीक है, और अंबर भाजी के लिए क्या बनाऊं? नहीं नहीं कुछ नहीं बनाओ, वो कुछ आके ऑर्डर कर देगी। अम्मी अंबर कहाँ गई है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ। जी जी बीबी जी। इसको बड़ा शौक है हर बात सुनने का ना। हाँ वो अंबर गई है अपनी सहेली के, उसकी अम्मी बड़ी बीमार थी तो डॉक्टर के लेके गए हैं उसकी अम्मी को। पता नहीं मेरी अम्मी की तबीयत कैसी होगी। नहीं ठीक होगी इंशाल्लाह, एक काम करेंगे ना, काम के बाद ना उधर रुक के उनको चेक कर लेंगे हम। चलो अब चलो, लेट हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। निशा बेटा मैंने तुम्हारा सूटकेस गाड़ी में रखवा दिया है। अच्छा, और साथ तुम्हें वहीं से सैलून छोड़ाएगा। अभी से सैलून? अभी से थोड़ी कह रही हूँ, निशा के घर जाओ, थोड़ी देर इसके साथ बैठ के बातें करो, आमना आंटी से बातें करो, फिर इसे छोड़ आना। एक्चुअली मामा एग्जैक्टली एक घंटे के बाद मुझे वेन्यू पे पहुंचना है, डेकोरेशन का सारा काम मुझे खुद ही कराना है। हाँ तो डोंट वरी, मैं उसे छोड़ दूँ। नहीं आले साथ ड्रॉप कर देगा। नहीं आंटी वो कह तो रहा है कि उसे वेन्यू पे पहुंचना है, तो मैं वैसे भी फ्री हूँ, आई विल डू इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे साथ पिक तुमने करना होगा वहां से। जी मैम। अच्छा मैंने ब्यूटीशियन को सब समझा दिया, तुम फिर अपनी मर्जी से मेकअप करवा लेना, ठीक है? जी आंटी थैंक यू। चले मैं ना नीलम की वजह से ना तुम्हें अपने साथ आज सैलून लेके जा रही हूँ। अंदर ही अंदर से ना सैलून बंद करने की कोशिश कर रही है, वो सारी उसकी चलाकियां मुझे नजर आ रही हैं।
मैं ये नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके क्लाइंट्स को तुम्हारे हाथों की आदत पड़ जाए बेटा। ये हो जाएगा ना तो फिर हम उसको निकाल देंगे। उफ, बड़ी चलाक लड़की है, मुझे उससे निजात चाहिए। अच्छा और सुनो, जरा तरीके से अपने आप को वहाँ पे संभालना। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों से थोड़ा फासला रखो, क्योंकि ज़्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है। तुम सैलून वर्कर थोड़ी हो, तुम तो घर की बहू हो ना, मालिक हो, इसलिए थोड़ा सा फासला होना चाहिए। हाँ उस माँ को अपनी बर्थडे याद नहीं रहती, जब मैं विश करता हूँ ना तो बहुत खुश होते। आप बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी मंदिर से। मेरे पास मोहब्बत के लिए और है ही क्या। उठाओ ये सब दर्द और निकलो यहाँ से। ऐसे बदतमीज मखरूज सर खड़े लोगों के घर काम करना मेरी भी तौहीन और मेरे हुनर की भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। जिंदगी में आप जैसे लोगों से इस कदर वास्ता पड़ चुका है कि अब नाम जानने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रवैये तेवर अपना तारुफ आपको दे। वो मैरिड तो नहीं है। क्यों? अगर अनमैरिड है तो फौरन प्रपोज कर दो। तुमने जो काम कर दिया है ना अलमास, साथ की नेचर देखते हुए भी ना मैं इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। निशा बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें पता है जब से वो इस घर में आई है ना एक रौनक सी हो गई है, घर घर लगने लगा है, लगता है बाहर आ गई है। बस अल्लाह ताला हमेशा इस बाहर को बरकरार रखे तुम्हारे घर में। लेकिन आपदा, इस घर को घर बना के रखना ना तुम्हें साथ से सख्ती करनी होगी। साथ सख्ती बर्दाश्त ही कब करता है, बागी हो गया है वो, तुम नहीं जानती क्या। वो ना निशा की मौजूदगी का भी ना कोई लिहाज नहीं करेगा। अच्छा देखो, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी, लेकिन कहना नहीं कि मैंने कुछ कहा है। हाँ, निशा की जो अम्मी है ना वो ना दिल की मरीज है, तो उसका भाई 2 दिन में ना उनको अमरीका लेके जा रहा है ट्रीटमेंट करवाने, तो फिर निशा को इस घर के ही सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा बताया नहीं, बस बातों बातों में बात निकल आई। लेकिन देखो वो तो यहाँ पे बिल्कुल अकेली हो जाएगी तुम्हारे घर में ना, और बड़ी प्यारी बच्ची है, वो दिलो जान से घर बनाने की कोशिश करेगी, बस उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत होगी, वो साथ को संभाल लेगी। हाँ कोशिश करूंगी मैं। अच्छा एक और बात, निशा और उसके खानदान को ना पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी कितनी गहरी दोस्ती है। अगर पता भी चल जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है अलमास? नहीं नहीं आपदा, सोचो। देखो अगर कल को कोई गड़बड़ हो गई ना तो मुझे बीच में ना टांग अड़ानी पड़ेगी, और अगर उनको पता चल गया कि मैं पहले से जानती थी और मैंने साथ के बारे में झूठ बोला था, तो वो भरोसा तो नहीं करेंगे मुझ पे। एक और बात यह है कि उसके भाई ने ना मेरा फोन नंबर ले लिया है, कह रहा था जब मैं वहां हूंगा अपनी अम्मी के साथ तो मैं आपसे रابطे में रहूंगा कि निशा ठीक है या नहीं। वो परेशान रहेंगे ना, अगर कोई गड़बड़ होगी तो सबसे पहले तो उसने मुझे फोन करना है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई मुसीबत हो मेरी जिंदगी में। हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब अच्छा सुनो, आ रही हो ना वलीमे में रात? हाँ हाँ, रिश्ता तो मैंने ही तय किया ना, तो मैं जरूर आऊंगी वलीमे पे। सॉरी साथ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, ये तुम्हारा मसला है, तुम खुद ही हैंडल करो। वो दुल्हन का क्या रिएक्शन था तुम्हारा? नाराज तो हुई होगी रात भर।
इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। हाँ वो मामा परेशान हो गए इसलिए मैं भी परेशान हो गया था। ये माए क्या चाहती हैं हमसे? हम अपनी मर्जी की जिंदगी भी नहीं गुजार सकते। यकीन करो जब से वो घर और घर वालों को छोड़ के मैं इस घर में आई हूं। और मैं रात को बहुत बेसुकून था, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। क्या मतलब तू रात भर सोया ही नहीं? कैसे सोता मैं? वो मोहतरमा मेरे रूम में थी और तुमने रूम खुद भी तो देखा था। तुम मामा ने फूलों से सजाया हुआ था। एंड यू नो वेरी वेल आई हेट फ्लावर्स। आई हेट फ्लावर्स। ये कुल्हाड़ी भी तुमने खुद अपने पैरों पे मारी है। इसीलिए तो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, मैंने एक डायलॉग भी मारा था। डायलॉग और तू? इम्पॉसिबल। अच्छा अच्छा एक मिनट एक मिनट, बताओ क्या डायलॉग मारा था तुमने? वो एक फिल्म देखी थी तो अचानक से याद आ गया। इन हीरों की खूबसूरती तुम्हारी खूबसूरती के सामने कुछ भी। कुछ नहीं। तालियां। पता है अम्मी ने सारी प्रोडक्ट्स ना न्यू मंगवाई हैं और अब वाली ना बहुत एक्सपेंसिव है, तो प्लीज एहतियात से यूज करना, ठीक है? अरे नहीं भाभी, कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ चेंज नहीं हुई है, सब पहले वाली ही है। अब इन लोकल प्रोडक्ट्स पे क्या एहतियात की जाए? नहीं अम्मी ने ना डीलर को बहुत सुनाया था और उन्होंने कहा है। प्लीज भाभी, ये मीठे लड्डू ना सिर्फ आपको खिलाए जा सकते हैं, मुझे नहीं। इस सैलून की सारी लड़कियां हमेशा से लोकल प्रोडक्ट्स यूज करती आई हैं और वो अभी तक कर रही हैं। आपके आने से यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ? नहीं अम्मी ने मुझे बताया था कि भाभी आपको यहाँ आए हुए जुमा जुमा 8 दिन हुए और मैं यहाँ पिछले 4 साल से मैडम के साथ काम कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि आप बहुत मासूम हैं। इवन यहाँ की सारी लड़कियां ये जानती हैं। और सच पूछे ना, मुझे बहुत दुख हुआ था जब आपने मोबाइल की वजह से हम सबकी तलाशी ली और फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़ी हमसे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भला माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो जाता है। और वैसे भी तुम सब ना मुझे बहनों की तरह अजीज हो। सो स्वीट भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। नीलम, तुम्हारी फेशियल की क्लाइंट आई है रिसेप्शन पे, तुम्हें बुला रही है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। नीलम तुम रहने दो, मैं कर लूँगी फेशियल। अरे नहीं भाभी, आप यहाँ के सुपरवाइज़र हैं, मैम ने आपको हमारे सुपरवाइज़र बना के यहाँ भेजा है। अब ये क्लाइंट को डील करना, उनके काम करना, इसी का तो मुआवजा मिलता है हमें। आप ये देख लें, मैंने बाकी ये प्रोडक्ट्स ही ठीक रहती हैं। सही, ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे हैं आप? ठीक है। ना कर हमको दिलावे मेरे सोने।